Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. सर लाश तो पूरी सड़ चुकी है, हड्डियां तक छूट रही है. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास का पूरा एरिया सर्च करो. ओके सर. फिरोज, फिरोज जो लाश तुम्हें दिखाई गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी फरीदा की है. और बड़ी हैरानी की बात है कि उसको मारने के बाद उसकी लाश के साथ रेप हुआ है. रेप हुआ है? तनी तो होना ही था. अच्छा हुआ मर गई, जीते जी तो मार ही डाला था ना उसने हम लोगों को. कोई नहीं सोचा था कि वो ऐसी निकलेगी. फिरोज तुम फरीदा को कब और कहां मिले थे? सर एक दिन की बात है, हमारी गाड़ी खराब हो गई. हम कुछ मदद करें आपकी? अरे आप क्या मदद करेंगे हमारी? अरे आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं. क्या बात कर रही हैं? अब आप धक्का देंगी? अरे काहे, काहे हम धक्का नहीं लगा सकते. अरे लड़की है पर कमजोर नहीं. चलिए आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं. देखते हैं. चलिए. एक दो तीन. देखा, निकल गई ना. भाई मान गए आपको. सुनिए कहीं जाना है तो चलिए छोड़ दें. नहीं नहीं रहने दीजिए. और वैसे भी देखिए ना, पांव पूरे खराब हो गए, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी. अरे तो हमारे पैर में कौन सा गुलाब का पंखुड़ी जड़ा है? साहब का गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है, आ जाइए. अच्छा ठीक है, फिर चल लेते हम. बस साहब उसमें कुछ बात तो थी कि हमारी गाड़ी के पहिए उसकी घर की ही तरफ घूमने लगे, हम दोनों मिलने लगे. इश्क हो गया था साहब उससे. एक दिन हम दोनों ने भाग कर निकाह कर लिया. हम दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ. उसे अपनी लंबाई पे बहुत गुमान था. अरे फिरोज. हाँ सुनो तो, यहाँ हो ना. हुआ क्या? इतना काय शर्मा रहे हो? हाँ बीवी है हम तुम्हारी, कोई परोसन नहीं. अरे लेकिन काम का है. बस यहाँ खड़े रहो, काम कुछ भी नहीं है, चुपचाप खड़े रहो और निहारो कि तुम्हारी बीबी कैसे पंखा साफ करती है. हम जो काम आज चुप चुप के कर रहे हो ना, तो यहाँ पर करो. क्यों? हाय अल्लाह, ये तो देखा ही नहीं हमने. एक फुट नाटे रहेगा तुम हमसे. लगता है तुम्हारी अम्मी तुम्हें बचपन में दूध कम पिला रही. हुँ? अच्छा जी. हुँ? अभी बता. अरे नहीं 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 नहीं. सुनो अब बताओ, इसकी अम्मा ने कम दूध पिलाया? सिर्फ दो इन से चूक गए हम, वरना हमारे शौहर हमसे नाटे होते. गलत आदमी से दिल लगा बैठे ना. तुमने ना सरू पे चीटिंग की होगी हमारे साथ. चीटिंग तो वो कर रही थी हमारे साथ, घर वालों से लड़ाई लेके निकाह किए थे उसके साथ, अपनों से दुश्मनी मोल लिए थे, बदले में उसने कहा दिया धोखा, घर छोड़ के भाग गई किसी यार के साथ. फिरोज क्या लगता है तुम्हें किसके साथ भागी होगी तुम्हारी बीवी? पता नहीं साहब, पता नहीं किस किस के साथ चक्कर चला रही थी, पर हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिला के गई.
अब कहां मुंह दिखाएंगे साथ वालों को। ठीक है, तुम फिलहाल जा सकते हो। पाठक सर, इस फरीदा को समझने के लिए अब उसके मां बाप से मिलना होगा, क्योंकि शायद उनसे मिलने के बाद इस किरदार का कोई दूसरा पहलू सामने आए। अब बोलेगा भी, मैंने मारा फरीदा को। पहले मैं फरीदा और फिरोज की शादी के खिलाफ था। जब मैंने फरीदा को देखा तो देखता ही रह गया। मैंने अब्बू को मना लिया। और तुरंत उन दोनों को घर ले आए। मैंने सोचा फरीदा मेरे इस एहसान का बदला चुकाएगी, मुझे करीब आने देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर मैंने पीछे से उसे दबोच लिया। अरे फिरोज, अशफाक, अरे अरे कब, देखो मैं तो आज सबक सिखाती हूँ बराबर से। तेरी तो कैसी हूँ मैं, बदतमीज, अरे अरे आज तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। उसने लोगों के सामने मुझे खदेड़ खदेड़ कर मारना चाहा। पागल हो गई है। अरे रुक रुक, कहाँ जा रहे भाग के, पगला गई है। अरे रुक, अरे रुक, पकड़ के मार, रुक, कहाँ जा रहे। मैंने रघु और राजेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसे रघु पर बड़ा यकीन था, रघु को उसके पास भेजा। भाभी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए भाई। और भाभी जी, आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। हाँ बताइए। फिरोज भाई है ना, फिरोज भाई ने घर बनाने के लिए एक जमीन खरीदी, तो मैंने ये सोचा कि कहीं आपको बाद में जमीन पसंद ना आए, तो चलो मेरे साथ आपको दिखा देता हूँ। अरे सोचिए मत भाभी जी, चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा? खुशी की बात है, इतने का सोचना। आइए भाभी जी, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ हाँ। चले, जमीन दिखाने के बहाने टेम्पो में उसे बिठा लाए। भाभी जी, ये देखिए, ये जमीन खरीदी है, इतना बढ़िया सा। ये जमीन खरीद रहे हैं फिरोज? हाँ भाई। यहाँ कौन आएगा? हम बताते हैं। अशफाक, यहाँ से थोड़ी दूर पर है वो जमीन जो तुम्हारे लिए मुकर्रर की गई है, देखोगी तो हैरान हो जाओगी। रघु भाई, यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या कर, चार फुटिया होते हाँ न छोड़ेंगे। मार दिया आपने अशफाक भाई, इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा भाई।
इतनी जिल्लत सही थी, इतने ताने सुने थे नाटे होने के, दिमाग सुलग उठता था। सामने तो लाश पड़ी थी साहब, लेकिन दिमाग में जीती जागती फरीदा। हमने अपना आपा खो दिया और ले लिया बदला अपनी हर तौहीन का। शर्म आती है तुम जैसे आदमी को सामने देखकर। ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा तुम्हारे खिलाफ कि जमानत को भी तरस जाओगे। रघु, राजेश और अशफाक पुलिस की हिरासत में हैं। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी अभी बाकी है। इस केस से कुछ सवाल मन में खड़े होते हैं। अगर कोई मर्द या औरत बेहद खूबसूरत है और आप उसे चाहते हैं पर हासिल नहीं कर सकते, तो क्या ये वाकई आपकी हार है? क्या हमें किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करना चाहिए? और खूबसूरती कोई बाजार में उपलब्ध वस्तु नहीं है जिसे हम जब चाहे खरीद लें, और अगर खरीद ना सकें तो फिर उसे लूट लें। फरीदा के प्रति अशफाक की लालसा ही इस जुर्म की जड़ थी, जिसने ना सिर्फ एक घिनौने जुर्म को जन्म दिया बल्कि अशफाक ने अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी भी तहस नहस करके रख दी। ऐसी भावना, ऐसे विचार जिस दिन भी मन में जागे उन्हें फौरन मन में ही मसल देना चाहिए, क्योंकि जुर्म पहले मन में पैदा होता है और फिर हकीकत में। मन की इस मैल पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबा केक को, सीख हम सबको। जय। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।